पंजाब और हरियाणा में 2 दिन की राहत के बाद गर्मी ने फिर रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कई शहर जिनका तापमान बारिश के बाद 6 से 7 डिग्री गिरकर 40 से नीचे पहुंच गया था, वो फिर 40 पार पहुंच गया है। हालांकि अब भीषण गर्मी का दौर काफी छोटा रहेगा, क्योंकि अगले 3 से 4 दिन में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल समेत पूरे उत्तर भारत में मानसून दस्तक दे सकता है। वैसे अभी मौसम विभाग ने पंजाब में अगले 2 दिनों के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब के 13 जिले लू की चपेट में रहेंगे। रविवार को अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। फरीदकोट 43.7 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। वहीं लुधियाना में भी गर्मी ने कहर बरसाया। मौसम विभाग के निर्देशक AK सिंह ने बताया कि अब राज्य में 2 दिन गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। 26 व 27 को हल्की बारिश हो सकती है। 28 को प्री मानसून पंजाब में दस्तक देगा। महीने के अंत में मानसून दस्तक दे सकता है। उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में सोमवार सुबह कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से 24 से 26 जून के बीच प्रदेश के दक्षिणी व दक्षिणी पूर्व जिलों में बारिश की संभावना रहेगी। रविवार को राज्य के कुछ इलाकों में प्री मानसून की बौछारें गिरी। हल्की बारिश की वजह से तापमान तो नहीं बढ़ा, लेकिन लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। भिवानी 43.8 डिग्री के साथ सबसे ज्यादा रहा। इसके अलावा प्रदेश में दिन का तापमान 42.0 डिग्री के आसपास ही दर्ज किया गया। आने वाले 4-5 दिनों तक मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। सोमवार को महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नू, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, भिवानी व चरखी दादरी में तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी। हरियाणा, NCR व दिल्ली में मानसून 28 जून तक पहुंच जाएगा और 1 जुलाई तक ये पूरे हरियाणा को कवर कर लेगा। प्री मानसून के चलते पंजाब में गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन मौसम की करवट के चलते अब फिर से गर्मी और पकड़ती नजर आएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि पंजाब में तापमान एकाएक बढ़ता है और ऐसे में लापरवाही अपनानी भारी पड़ सकती है। जनता को सावधानी अपनाने की तरफ जागरूक होने की जरूरत है। बारिश के बाद जब गर्मी पड़ती है तो मौसम का मिजाज बदला हुआ होता है। जलंधर में भले ही बारिश ना पड़ी हो, लेकिन हवा में नमी का असर आसपास के शहरों जैसा ही महसूस होगा। ऐसे में लापरवाही अपनाने वाले को भारी परेशानियां पेश आ सकती हैं। मौसम विभाग की माने तो हरियाणा और दिल्ली NCR में मानसून 28 जून तक दस्तक दे सकता है, लेकिन 1 जुलाई तक ही सभी हिस्सों को कवर करेगा। वहीं मानसून की रफ्तार अगर ठीक रही तो 30 जून को पंजाब में मानसून की एंट्री होने की संभावना है। videodeskamarajwala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।